चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना ही दिया, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सभी 8 वोट उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में थे। बता दें कि इस मामले में याचिकाकर्ता आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार ही थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन 8 वोटों को अमान्य घोषित किया गया था, अब वे मान्य होंगे। बता दें कि इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने रिटर्निंग ऑफिसर ने कबूल किया था कि वाकई उन्होंने बैलेट पेपर पर क्रॉस लगाया था। बता दें कि इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह बैलेट पेपर पर क्रॉस के निशान लगा रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक बार सीसीटीवी कैमरे की ओर भी देखा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। बता दें कि कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को चुनाव से संबंधित सभी ओरिजिनल वीडियो रिकॉर्डिंग दस्तावेज मंगवाए थे। वीडियो और बैलेट पेपर कोर्ट रूम में जमा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह को फटकार लगाते हुए कहा था कि ये स्थिति लोकतंत्र का मजाक है। कोर्ट ने आगे कहा कि वीडियो देखकर यह साफ स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र की हत्या की गई है। गौरतलब है कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाल और न्यायाधीश मनोज मिश्रा की 3 सदस्यीय बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है। वहीं आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार ने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में 8 वोट अवैध करार दिए जाने पर रिटर्निंग अफसर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह से पूछा गया कि उन्होंने बैलेट पेपर पर क्रॉस के निशान लगाए थे या नहीं। इसके जवाब में अनिल मसीह ने कहा कि उन्होंने 8 पेपर पर क्रॉस के निशान लगाए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।